हाय गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन को भी ज़रूर दबाना जो कि है सब्सक्राइब बटन, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि आप मेरी हर नई वीडियो पे नोटिफिकेशन पा सकें। हाय गाइस, मेरे Instagram अकाउंट को आप ज़रूर फॉलो करें मेरे कार रिव्यूज़ के बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेन के। मेरा नाम है डेनिस और आज हम बात करेंगे एक और किया कार के बारे में जो कि है किया की सोनेट। एक्सपेक्टेड नेम उसका यही होएगा, मगर अब जो डिटेल्स आई हैं वो ये हैं कि उसका जो डेब्यू होएगा वो ऑटो एक्सपो पे होने वाला है और उसी टाइम हमें उसका नाम भी पता चल जाएगा। मगर जो अभी कोड नेम चल रहा है वो है किया QYI। जो मैंने किया कार्निवल का डिजिटल ब्रोशर वीडियो डाला था उस पर मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि जो वीडियो थी वो किया मोटर्स इंडिया को बिलोंग करती है, तो किया मोटर्स इंडिया ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। तो अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे और कॉपीराइट स्ट्राइक्स ना आए, वरना मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। मैं उस पर वीडियो तो नहीं अपलोड कर पाऊँगा जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब आप पहले देख पाएंगे, ये है किया की स्टॉनिक। ये किया स्टॉनिक के कॉन्सेप्ट मॉडल या कह सकते हैं प्रोडक्शन मॉडल के स्केचेस थे जो कि किया ने डिज़ाइन बनाने के टाइम डेवलप करे थे। तो ये देखिए, ये है किया स्टॉनिक जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इस टाइम बिकती है, और ये ऑफिशियल स्केचेस हैं जो कि किया ने रिवील करे हैं अपनी सोनेट के। ये देखिए, जो किया सोनेट है और जो किया स्टॉनिक है, दोनों में डिफरेंस आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें कितना डिफरेंस है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साइड बाय साइड मैं आपको दिखा दिया। तो डिज़ाइन एलिमेंट्स भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल भी डिज़ाइन शेयर नहीं करेंगी ये दोनों गाड़ियाँ। अभी पहले हम फ्रंट के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको रेयर पे भी लेके जाऊँगा। तो पहले अभी हम इसको बंद कर देते हैं, लेट्स मूव ऑन विद किया सोनेट। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो लुक्स होगी थोड़ी स्पोर्टी टाइप सी होगी, ये देखिए। एंड इसकी जो LED होगी वो भी थोड़े से किया सेल्टॉस जैसे इंस्पायर्ड होगी जो कि ग्रिल तक जाती है, और मेरे ख्याल से इसमें प्रोजेक्टर नहीं, इसमें भी LED ही आएंगे। बाकी प्रोडक्शन मॉडल देख के ही पता चलेगा। इसकी टाइगर नोज ग्रिल आप देख सकते हैं रेड एक्सेंट के साथ, रेड एंड सिल्वर एक्सेंट। ये मेरे ख्याल से GT मॉडल होएगा ज़रूर इसका, तभी ये ऐसी है। नीचे आप देख सकते हैं एयर डैम भी सिल्वर इंसर्ट्स के साथ बना हुआ है, और नीचे आपको स्किड प्लेट्स जो हैं वो भी रेड ट्रीटमेंट के साथ मिलती हैं जो कि कार को बहुत ही स्पोर्टी अपील देती हैं। और जो साइड मिरर्स की अगर हम बात करें, साइड मिरर्स बिल्कुल वरना जैसे ही होंगे इसके, क्योंकि मैंने इस कार को स्पाई करा है तो मुझे इसके बारे में पता है। और अगर आपने वो स्पाई शॉट सा देखना है, उसमें एक टाइप से वीडियो है वो, उसमें इतनी क्लियर नहीं दिख रही गाड़ी, बस फुल कवर्ड है, टोटली कवर्ड, हैविली कवर्ड। तो ये रही वो वीडियो। तो अगर हम मूव ऑन करें कार की साइड प्रोफाइल पे, एक सेकेंड, तो जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इसके साइड में भी आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, और जो इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस टाइम। ये डुअल टोन अलॉय व्हील्स होंगे, आई थिंक डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और अगर हम इसके थोड़ा और रेयर एंड में जाके बात करें, तो इसके जो ऊपर का डिज़ाइन है, जो मतलब कि विंडोज़ के पास का डिज़ाइन है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में रूफ रेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि ह्यूंडई ने वेन्यू में भी दिए थे। ये जो कार होगी ये ह्यूंडई वेन्यू के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड होगी, मगर उससे ये काफ़ी डिफरेंट दिखेगी। मुझे ह्यूंडई वेन्यू से ज़्यादा अच्छी ये लग रही है इस टाइम। बाकी जो प्रोडक्शन मॉडल होएगा उसी को देख के पता चलेगा। तो ये देखिए, इसका पूरा ऊपर तक से लेके नीचे तक ये पूरा कनेक्ट होता है। इसका जो विंडो पैनल है, सारे ए पिलर टू सी पिलर दोनों तरफ से ये कनेक्ट होता ही है, विंडो लाइनिंग जो है इसकी। और जो इसके मेरे ख्याल से पेंट होएगा वो डुअल टोन पेंट होएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके रूफ़ जो है वो ब्लैक रूफ़ है, और नीचे आपको ब्राउन सा कलर देखने को मिल जाता है। ये मेरे ख्याल से मस्ट बी आइडेंटिकल जो मैंने ह्यूंडई ऑरा का देखा था वैसा ही। तो अगर हम इसके पीछे की बात करें, पहले मैं आपको इसके दिखाता हूँ स्टॉनिक जो है उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ रेयर स्केच की। तो ये देखिए, ये है किया की स्टॉनिक,
जैसे मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकती है, ये जब लॉन्च नहीं हुई थी तब के स्केचेस हैं इसके, ये किया स्टॉनिक का रेयर है, और मैं किया सोनेट के आपको रेयर दिखाता हूँ। ये देखिए ये है किया सोनेट का रेयर, अगर हम इस पे थोड़ा जूम इन करें, जस्ट अ सेकेंड, तो जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे ये इसकी रेयर टेल लाइट्स हैं किया सोनेट की। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टॉनिक कितना बिल्कुल नहीं दिखेगी, स्टॉनिक से बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। और अब आप इसकी रेयर स्केट प्लेट्स भी देख पा रहे होंगे, ये बड़ी स्पोर्टी अपील देती है, और साथ ही साथ मुझे एग्जॉस्ट पाइप्स के हाउसिंग भी दिख रही है, दोनों तरफ होएगी मेरे ख्याल। बाकी मैं जैसे आपको बताया अभी ये स्केचेज हैं, प्रोडक्शन मॉडल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है तो वो ऑटो एक्सपो पे ही पता चलेगा। तो जैसे अब हम रेड टेल लाइट्स पे मूव ऑन करें, तो ये देखिए इसका डिज़ाइन जो होएगा वो पूरे एक टेल लाइट से लेके दूसरी टेल लाइट तक स्ट्रेच होएगी एक लाइन सी, जैसे कि अभी हमें BMW 7 सीरीज़ में देखने को मिला है वैसे टाइप में। और जो किया का लोगो होएगा वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको टेल लाइट्स के बीच में किया लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो और चीज़ों के बारे में बात करें, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस लग रही है स्केच के हिसाब से वो भी मेरे ख्याल से हाई ही रहेगी, जैसे कि वेन्यू की है। और बाकी अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो और काफ़ी डिटेल्स अभी मिसिंग है, तो मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ, और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि क्योंकि ये आज ही रिवील हुई है बाय किया, किया हैज़ रिवील्ड दी स्केचेस। तो और मैं आपको डिटेल्स इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि और डिटेल्स नहीं आई हैं, जो जो मुझे इसके स्केचेस के थ्रू पता चला है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल डेन के। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट। Why you presenting games? I don't wanna play.